ज्योतिष क्या है? ये आज भी एक साधारण व्यक्ति के लिए रहस्य का विषय है। कुछ लोग कहते हैं कि अंधविश्वास है, कुछ कहते हैं जादू टोना है, कुछ कहते हैं गुप्त विद्या है, कुछ कहते हैं ये तो कार्ड का गेम है, और कुछ कहते हैं कि ये तो बहुत भाग्यवादी बनाता है, इसलिए बहुत ही एक खराब विषय है। लेकिन जिन व्यक्तियों ने इसका अध्ययन किया है वो कहते हैं कि ये तो बहुत उपयोगी ज्ञान है, जिसका कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जा रहा है। और जब इसकी परिभाषा का सवाल आता है कि ज्योतिष क्या है, तो ज्योतिष का अर्थ होता है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसका ग्रहों का हमारे मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप कहेंगे कि करोड़ों करोड़ों किलोमीटर दूर ग्रह और उनका हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ सकता है। मैं उनको एक ही उदाहरण देता हूं कि समुद्र में ज्वार भाटा आता है, हम सभी जानते हैं, हमको छोटी कक्षाओं में पढ़ाया जाता है इसके बारे में कि जब सूर्य और चंद्र की एक विशेष स्थिति होती है तब समुद्र में ज्वार भाटा आता है। आप कहेंगे आता होगा समुद्र में, बट हमारे शरीर से क्या मतलब है इसका? आपको ताज्जुब होगा कि शरीर में 70% तो पानी है ही है, लेकिन जो हमारे शरीर में सॉल्ट्स हैं, जो लवण हैं, वो वही है जो समुद्र के पानी में है। और इतना ही नहीं, जो उन सॉल्ट्स का परसेंटेज समुद्र के पानी में है वो ही सॉल्ट का परसेंटेज हमारे शरीर में भी है। और मुझे इस विषय में एक प्रसंग याद आता है कि कुछ वर्ष पहले टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पर एक न्यूज आइटम आया था जिसमें लिखा था कि एशेज ऑफ जॉन एफ कैनेडी जूनियर कंसाइन टू द सी। मुझे उत्सुकतावश मैंने पढ़ना शुरू किया उसको, और मैंने देखा कि उसमें जब जॉन एफ कैनेडी प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, तो उन्होंने 1962 में एक स्पीच दी थी। उस स्पीच को उन्होंने कोट किया था और उसमें ये लिखा हुआ था क्लियरली कि जो हमारे शरीर में सॉल्ट्स हैं, जो परसेंटेज है, वही है जो हमारे समुद्र के पानी में है। और जब भी हम समुद्र के पानी में जाते हैं या उसके आसपास जाते हैं तो हमें यही अनुभव होता है कि जहां से हम आए वहीं वापस जा रहे हैं। तो ये एक वास्तविकता है। और वैसे भी जो जब 2001 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक अध्यादेश जारी किया था कि यूनिवर्सिटी में और कॉलेजेस में इस विषय को पढ़ाया जाना चाहिए, पूरे देश में हंगामा हो गया था कि ये क्या हो रहा है, देश को हम शायद 150 वर्ष पीछे ढकेल रहे हैं। लोगों ने कोर्ट में केस फाइल किए और उस टाइम जो फेवर आया वो ये हमारे ज्योतिष ज्ञान के फेवर में ही उनका डिसीजन हुआ। और उन्होंने कहा, उन्होंने एक जिक्र किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस टाइम एक एफिडेविट फाइल किया था और उसमें उन्होंने क्लियरली कहा था कि एस्ट्रोलॉजी इज अ 4,000 ईयर्स ओल्ड ट्रस्टेड साइंस। इस ज्ञान का हम पूरी दुनिया में उपयोग कर रहे हैं जाने अनजाने में, कि हम पट मानने को तैयार नहीं है। ये जो अपने आप को वैज्ञानिक लोग कहते हैं, जो कहते हैं कि ये सब बकवास है, ये ज्योतिष ज्ञान कोई नहीं है, वो मानने को तैयार नहीं है। मैं एक उदाहरण आपको दूं कि जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, और प्रिस्क्रिप्शन लिखने से पहले वो RX का सिंबल यूज करते हैं। मैंने बहुत डॉक्टर से पूछा, सभी लोगों से पूछा, कोई कहता है लेटिन वर्ड है, कोई रोमन वर्ड है, बट नोबडी नोज कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। एंड यू विल सरप्राइज टू नो दिस इज नथिंग बट ए सिंबल ऑफ जुपिटर, प्लैनेट जुपिटर इन एस्ट्रोलॉजी। और जुपिटर को हम कहते हैं गुरु है। इट मीन्स वी सीक द ब्लेसिंग ऑफ गुरु वाइल राइटिंग द प्रिस्क्रिप्शन, विच इज ए यूजुअल प्रैक्टिस इन ऑल द सिस्टम्स। हम ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि डॉक्टर ने सफेद कपड़े पहने हुए हैं, सडनली वो कपड़ों को चेंज कर देता है और ग्रीन कलर के कपड़े वहां सब व्यक्ति पहनते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हो या डॉक्टर हो। आप कहेंगे क्यों? ग्रीन कलर हमारे जो प्लैनेट मरकरी का है उसका है, और मरकरी हमारे रिप्रेजेंट करता है नर्वस सिस्टम को, और ऑपरेशन ऐसा टाइम है कि हम वी कैन नाइदर बी टू फास्ट नॉट टू स्लो, वी हैव टू कीप आवर नर्वस सिस्टम अंडर कंट्रोल। तो हम मरकरी प्लैनेट का सहारा लेते हैं। कोर्ट में जाते हैं तो जज हो या वकील हो, सब लोग काले रंग के कपड़े पहनते हैं, पूरी दुनिया में पहनते हैं। क्यों? काला रंग जो है वो शनि का रंग है, और काला रंग जस्टिस का भी कारक है, डिले का भी कारक है। हम जानते हैं कि ऐसा कोई भी डिसीजन हो सोच समझ कर हो, जल्दीबाजी में कोई डिसीजन ना लिया जाए कोर्ट के द्वारा, तो हम एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेते हैं।
एस्ट्रोलॉजी हमारे लिए बहुत कुछ कर सकता है। अगर हम शुरू से करें तो जब बच्चा पैदा होता है तो एक सवाल आता है कि हम इसको, इसका एप्टीट्यूड क्या है, इसका एवोकेशन क्या है, इसको किस टाइप की शिक्षा दी जाए जिससे कि ये जीवन में इसको सफलता मिले, और कोई विषय नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है जो बता सके बच्चे के एप्टीट्यूड के बारे में। ज्योतिष ही एक ऐसा ज्ञान है जो एग्जैक्टली आपको बता सकता है, गाइड कर सकता है आपके एप्टीट्यूड के बारे में, किस टाइप की आपको एजुकेशन दी जाए, किस टाइप का प्रोफेशन आप चूज करें जिससे आप इसके अपने पोटेंशियल का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। इसके अलावा हम दिन प्रतिदिन लोगों से डील करते हैं, एस्ट्रोलॉजी बता सकता है कि जो जिससे हम डील करने जा रहे हैं उसकी क्या पर्सनैलिटी है, हमारे अच्छा बुरा टाइम जानकर हम बता सकते हैं किस टाइम हमें रिस्क लेना है, किस टाइम हमें रिस्क नहीं लेना है, किस टाइम हमको प्रिकॉशन लेना है। मैरिज में बहुत प्रॉब्लम होती है और हर व्यक्ति जो है मैरिज से पहले हॉरोस्कोप मैचिंग के लिए भी जाता है, लेकिन अगर हम जो ज्योतिष का ज्ञान है उसको पूर्णतः यूज करें तो हम बहुत अच्छा एक आइडिया दे सकते हैं कि किसके साथ मैरिज करनी चाहिए और किसके साथ नहीं करनी चाहिए, और हम अपने जीवन में बहुत हद तक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मेडिकल साइंस है, आप जानते हैं आजकल इंडिया में हार्ट की प्रॉब्लम हो, ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, सुसाइड केसेस हैं, ये सब चीजों की संख्या वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इस समय इंडिया में है, और ये बहुत एक गंभीर विषय है और शायद हम लोग नहीं पहचान पा रहे, बट आप स्टडी करें जो WHO के डाटा है आप देखेंगे कि इतनी ज्यादा संख्या में है कि नाउ वी स्टार्टेड सेइंग कि इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया इज द कैपिटल ऑफ हार्ट पेशेंट ऑफ द वर्ल्ड। और एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा ज्ञान है जो आपको पैदा होने के टाइम बता देता है कि आपको किस टाइप की प्रॉब्लम होने वाली है, शरीर के किस अंग में प्रॉब्लम होने वाली है, और हमारे पास बहुत सारे रेमेडीज हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज पर जाइए, अपने जीवन को उसी तरह से बदलिए, जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करिए। अगर लगता है कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम से आप प्रभावित होने वाले हैं तो अपने जीवन को एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, खाना पीना ठीक करिए, आपको हार्ट की प्रॉब्लम क्यों होगी, आप बहुत हद तक उससे बच सकते हैं। और मैं कहता हूं कि एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग हैज अनलिमिटेड पोटेंशियल, ही कैन डू वंडर्स इन द वर्ल्ड। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी मेंटल कैपेसिटी का हार्डली 10% यूज कर पाते हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा बढ़ा दें एस्ट्रोलॉजी के द्वारा तो अपने हम जो हमारा पोटेंशियल है वो तो बढ़ेगा ही, आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ सकती है, आपकी एफिशिएंसी कई गुना बढ़ सकती है। और मैं कहता हूं कि दिस इज अ वंडरफुल टूल फॉर सेल्फ मैनेजमेंट, नो अदर नॉलेज विल टीच यू अबाउट द सेल्फ मैनेजमेंट, ओनली एस्ट्रोलॉजी कैन टेल यू बाय विच यू कैन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी 100 times। और जो लोग कहते हैं कि भाग्यवादी बनाता है, मैं कहता हूँ बिल्कुल गलत है। जो प्लैनेट की पोजिशन होती है हमारे बर्थ के टाइम, इट्स लाइक ए थर्मामीटर विच ओनली रिवील्स द फीवर, इज नॉट ए कॉज फॉर फीवर, ये सिर्फ बताता है कि ऐसी टेंडेंसी है। नाउ इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस व्हाट वी वांट टू डू। अगर हम थोड़ा सा पॉजिटिव वे में करें, और जो जैसा कि हम जानते हैं कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एंड दैट इज द थ्योरी ऑफ कर्म ऑल्सो, एंड दैट इज एग्जैक्टली इन प्रिंसिपल विद द साइंटिफिक फिलोसफी विच इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। So just by using astrology, which already the world is using in a different way without knowing it, we can do wonders in the world actually. We can do anything, whatever you want. Thank you.